पेड़। एक जंगल में एक छोटा सा पेड़ था। वह आंधी में हिलता, धूप में जलता और बारिश में भीगता रहता। जंगल में और भी पेड़ थे, लेकिन नन्हा पेड़ सबसे अलग था। दूसरे पेड़ों पर तो हरे भरे पत्ते थे, लेकिन इस पेड़ पर सिर्फ कांटे थे। छोटे पेड़ को यह बहुत बुरा लगता। वह सोचता, सभी मुझसे डरते हैं। कांटों के डर से कोई मुझे छूता तक नहीं। कितना अच्छा होता अगर मेरे ऊपर सुनहरे पत्ते होते, बिल्कुल सोने की तरह चमकीले। अगले दिन जब सूरज निकला तो एक अजीब सी चीज दिखी। उस पेड़ के सारे कांटे गायब हो गए थे और ढेर सारे सुनहरे पत्ते निकल आए थे। सूरज की रोशनी में वो चमचमा रहे थे। पेड़ बहुत खुश हो गया। धीरे धीरे शाम हो गई और फिर रात घिर आई। उस समय वहां पर एक आदमी आया। उसने देखा, यहाँ तो सोने के पत्ते लगे हैं। चुपके चुपके उसने सारे पत्ते तोड़कर थैली में भर लिए। पेड़ बेचारा ठूट बन गया। उसे बहुत दुख हुआ। सोचने लगा, मेरे पत्ते जरूर हों, लेकिन सुनहरे नहीं, कांच जैसे चमकदार होने से ही काम चल जाएगा। सुबह हुई तो पेड़ पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कांच के पत्ते लगे हुए थे। पेड़ बहुत खुश हुआ। कहने लगा, देखे हैं ऐसे पत्ते किसी और पेड़ पर? उसी वक्त काले बादल छा गए और धीरे धीरे सूरज बादलों के पीछे छिप गया। तभी ना जाने कहां से तेज आंधी आई और पूरा जंगल हिलने लगा। बड़े बड़े पेड़ तक जोर जोर से हिलने लगे। इसी तेज हवा में छोटे पेड़ के कांच के पत्ते झड़ झड़ कर चकनाचूर हो गए। पेड़ फिर से ठूट हो गया। कहने लगा, अब मुझे न सोने के पत्ते चाहिए न कांच के। दूसरे पेड़ों की तरह के हरे पत्ते ही काफी होंगे मेरे लिए। अगले दिन सुबह उठते ही सामने देखा कि उसके डालों पर हरे भरे पत्ते हैं। अब मैं सचमुच बहुत खुश हूँ, छोटे पेड़ ना सोचा। इतने में वहां से गुजरते एक बकरे ने इस छोटे से पेड़ पर हरे हरे पत्ते देखे। वह आकर उन्हें झटपट खाने लगा। छोटा पेड़ चुपचाप देखता रहा। करता भी तो क्या, बकरे ने सब पत्ते खा लिए। वह फिर ठूट बन गया। दुखी होकर उसने कहा, नहीं चाहिए मुझे पत्ते, न कांच के, न सोने के, न हरे। इन पत्तों से तो मेरे पुराने कांटे ही अच्छे थे।